सभी लोगों का एक और नए कमाल के पैल वर्ल्ड के एपिसोड में यार। और आज मेरे थोड़े से बाल खराब लग रहे हैं भाई। आज तो यार मैं नोबिता जैसे दिख रहा हूँ भाई। बाल भी सोए हुए, पीला कपड़ा पहना हूँ, बस मेरा डोरीमोन नजर नहीं आ रहा यार। इफ अगर डोरीमोन होता ना भाई, मैं कहता कि भाई कोई ऐसा गैजेट निकाल जिससे सब लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करें यार। कर दो भाई, गैजेट की जरूरत है क्या, दबाओ बटन। बट एनीवेज यार, मैं अभी जस्ट सो उठ के आया हूँ, बट एनर्जी फुल है भाई, खैर जाने दो। बाकी यार आज हम लोग बनाने वाले एक नया बेस, बेसिकली एक नया घर कह लो, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। छोटे मोटे पॉकीमॉन्स तो वहाँ पे आ जाते हैं। जब मैं बड़ा बड़ा पॉकीमॉन लेके आता हूँ, जस्ट लाइक रिलैक्सोसॉरस या फिर मेमोरेस्ट या फिर जार्मोंटाइड, भाई जगह पूरा घिर जाता है। तो उसी के लिए आज यार हम लोग एक नया बेस कम्प्लीटली बनाने वाले हैं, जहाँ पे सारे पॉकीमॉन्स को शिफ्ट कर देंगे। एंड यकीन मानो दोस्तों, वो यूट्यूब का सबसे बेहतरीन बेस होने वाला है। सो वेल यार, चलो नोबिता के साथ एक और नए कमाल के पॉकीमॉन एडवेंचर के वीडियो में। बट उससे पहले सब्सक्राइब कर दो भाई, वरना मैं रोने लग जाऊंगा यार, कर दो प्लीज। बाकी आ जाओ वीडियो में भाई। ऑलराइट गाइस, यार एक और नया सुहाना सा दिन अपने पैल वर्ल्ड में। एंड गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं कम्प्लीटली नया बेस। आप लोग ये जगह को अच्छे से देख लो यार, क्योंकि अब इस जगह से हम लोगों के टाटा बाय बाय करने का दिन आ चुका है, बिकॉज हम लोग एक नया बेस बनाने वाले हैं। और यार लिटरली मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कहाँ पे नया बेस बनाऊं। यार देखो, बेस ढूंढने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, हम लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आसपास में नदी हो, पास में आयरन ओर हो और बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस हो। मेन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, ओपन स्पेस की भाई। यहाँ पे यार इतना ज्यादा कंजेस्टेड है। देखो यार, मिल्क फार्म के बगल में भाई लिटरली पानी के ऊपर मेरे को फार्मिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पे बेड भी भाई, मैं यार कहाँ कहाँ पे बेड वगैरह लगा के रखा हूँ। और घर भी देखो भाई, पूरा उल्टा सीधा बन रखा है। ठीक है, कम ऑन यार, इस गेम में बहुत ही तगड़े घर बना सकते हैं, जैसे आप लोग माइनक्राफ्ट वगैरह में देखते हो ना भाई, डिट्टो वैसे, उससे भी तगड़े। ठीक है, तो आज हम लोग वैसी सफर पे निकलने वाले हैं, जहाँ पे अपन नया नया घर बनाने वाले हैं अपने कंप्लीट नया बेस होगा। बट फिलहाल मुझे अपग्रेड करना है यार, रैग्नारोक के ऊपर अपन बैठ सकते हैं, वाओ। बट उससे पहले यार थोड़ी हम लोगों की ट्रेवलिंग जर्नी पे भी जाया जाए। हम लोग बीकन को रख लेते हैं अपने साथ, जितने भी फायर टाइप, नहीं फायर नहीं, ऐसे पॉकीमॉन जो पानी में भी और फायर में भी टिक सकते हैं भाई। एक तो अपना हो गया ये जहरीला वाला मेनेस्टिंग, और आनुबिस तो रखना ही रखना है। रेप्टेरो नहीं, सुजाकू यार, रेप्टेरो भी रख सकते हैं, 27 लेवल का है भाई, आइस टाइप रेप्टेरो है। और फैंगलॉव रखते हैं, और चलो चलते हैं गाइस एक और नए सफर पे। फिलहाल अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपने नए घर के लोकेशन की तरफ निकलेंगे। यार मेरा एक्सप्लोरेशन बचा है भाई अभी भी। वेलकम टू द माउंटेन ऑफ ऑब्सीडियन यार। चल बीकन भाई, बेचारा बीकन का तो हेल्थ ही नहीं है, मैं लेके आ गया इसको। बट एनीवेज यार, अबे तेरी कहां पे अंडा है भाई, लिटरली इतने खतरनाक जगह अंडा है ब्रो, रख लेते हैं इसको। यार मेरा बैग भरा हुआ है, वाओ वाओ भाई, कबाड़ लेके घूम रहा हूं कसम से। बीकन को इलेक्ट्रिक खिला देते हैं, इसको भी बीकन तू ही खा ले भाई। और कुछ खाने पीने का, लकड़ी लेके घूम रहा हूं भाई, लकड़ी फेंको। और बॉल वगैरह काम के, शॉटगन भी अभी मेरे पास नहीं है ना, तो शॉटगन की गोलियां भी फेंको। और मछली है, मछली खिला देते हैं। बाकी यार बैग लगभग खाली हो गया कह लो। बाकी चलो चलते हैं अपने अगले सफर की ओर। यार ये कितना बड़ा आइलैंड है भाई, हम लोग लिटरली ये एरिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं, अगर आपने पुराने एपिसोड्स को देखा होगा तो। बट एनीवेज यार, मैं ये वाले एरिया पे नहीं आया हूं। यहां पे ये क्या घूम रहे, अच्छा फ्लेम बॉल घूम रहे भाई। ये एरिया कितना अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को यार, लकड़ियां वगैरह पड़ी हुई है, छोटा सा कासल है भाई। ऐसे ही मुझे भी इस गेम में कासल ही बनाना है यार, यार लिटरली क्या ही कासल है भाई, क्या ही यार, घुस नहीं पा रहा। आ जा भाई तू अंदर, फैंगलॉव तू आ। ओके, जगह वगैरह बहुत है, मैं तो बोलता हूँ यही बेस बना लेते हैं भाई। यार ऐसी कहीं कासल मिल गया ना ग्रीन लैंड तरफ, तो पक्का बना लूंगा भाई मैं। बाकी एनीवेज, यहाँ पे एक रेप्टेरो घूम रहा है, 37 लेवल का भाई, पकड़ा जाएगा इस, क्या बोलते हो यार। अरे नीचे नहीं कूदना था भाई, लेकिन यहाँ पे एक अंडा है, और ये एक डार्क टाइप ह्यूज है भाई, ह्यूज है ना, हाँ ह्यूज है, मतलब इससे लेजेंडरी पॉकीमॉन निकलने वाला है। मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ यार, अंडे के फोटोज काम आते हैं फॉर द थंबनेल। ओके लेट्स गो, हो गया। बाकी चलो अंडे को रख लेते हैं। बाकी भाई तू क्यों भाई, तेरी ऐसी की तैसी साले मेरे को मार रहे हैं। कैल्स इग्नाइस, चल तू आ बॉल में आ भाई, मेरे को मार रहा है बेफालतू का भाई है। अभी नहीं आएगा तू, ठीक है भाई आ जाइए। अबे तेरी भाई अंगार वंगार फिक्र है, ले भाई इसमें आ, नहीं आएगा तो बेटा तेरा चिकन मटन बना के अभी यहीं पे खा लूंगा, ठीक है। जम माइला, नहीं आएगा तू भाई, कितना तेज है ये। ओके सेफ हूँ भाई मैं, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। ओके आ जा यार, ले भाई तेरे लिए महंगा बॉल फेंक दिया। चल अब तो आ, 31% कैप्चर रेट है, कहाँ जाएगा भाई। जम माइला मर जा भाई तू, यार गजब लोग है यार, बढ़िया चलना चाहिए मेरे साथ। चल वीकन भाई थोड़ा खाना खा ले तू भी, और कुछ खाने का है, बेरीज है, डाल दो भाई बेरीज को, खाते रहेंगे।
चलो भाई, मैंने यहाँ पे एक फायर टाइप अंडा भी देखा था कहीं पे, जो कि यार एक आई गेस वो भी एक ह्यूज एग था जिससे लेजेंडरी पोकेमॉन्स निकलते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो वो गायब हो गया क्या भाई? दिख नहीं रहा मुझे, दिख रहा था लेकिन। बट एनीवेज यार, यहाँ पे ये है, अंदर चलते हैं। ओ भाई कितना डार्क एरिया है भाई ये। एक सेकंड यार, क्या तुम लोग बबल कीबोर्ड यूज करते हो? रुको भाई, तुम लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इससे क्या क्या हो सकता है। मैं एक क्लिक में किसी को भी यहाँ पे 3D एनिमेशन भेज सकता हूँ, और काफी इजीली भाई मैं अपने यूट्यूबर दोस्तों को मीम भी भेज सकता हूँ भाई एक ही क्लिक में। और इवन तो मैं इसका यूज करके जोक्स, शायरिया एंड इवन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स भी यूज कर सकता हूँ। इसमें यार लिटरली बहुत सारी कमाल की चीजें हैं। और सबसे खतरनाक फीचर है इसका बॉबा लड़का, और इस फीचर का यूज करके आप अपने खुद के सर का या अपने दोस्त के सर का यूज करके स्टिकर बना के उसे भेज भी सकते हो। इवन इसमें डिफरेंट थीम्स एंड कलर्स भी मिलते हैं। सो अगर आपको ये ऐप चाहिए जो मैं यूज करता हूँ, तो कमेंट और पिन चेक कर लो। और ये ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो जरूर ट्राई करना यार। देख के डर लग रहा है भाई। बट एनीवेज यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा कासल है। चाहे तो घर वगैरह बना सकते हैं, बट एनीवेज अभी घर बनाए कोई फायदा नहीं है यार। बाकी इधर एक रेप्टेरू घूम रहा है, पकड़ेंगे ये वाले पेड़ के फल वगैरह रख लेते हैं। भाई इसमें डार्क वाले फल हैं। उतरो भाई, ये मैं डार्क वाला पहली बार देखा यार। यार इसको खिलाने से ना ये जो डार्क वाले अटैक हम लोग को मिल जाएंगे। बाकी चलो यार, मिनेस्टिंग को हराएगा यहाँ पे अपना रेप्टेरू को मिनेस्टिंग हराएगा। चल भाई। ओ भाई यार, मेरे को पता है भाई, रेप्टेरू आराम से नहीं टिक पाएगा। आई मीन मिनेस्टिंग बैंड बजा देगा उसका। मिनेस्टिंग बिच्छू और वो टाइप पोकेमोन है ना भाई। लेकिन मेरे मिनेस्टिंग में आग लग चुकी है जैम। एक नंबर भाई, एक नंबर। एक और ऐसी अटैक दे दे भाई, तेरे को तो आग लग गया। तू आ फैंगलॉग, तू नहीं। रेप्टेरो वर्सेस रेप्टेरो, गाइस आइस रेप्टेरो वर्सेस फायर रेप्टेरो। लेकिन घंटा कुछ नहीं हो रहा भाई। यार वो तो देख रहा होगा भाई, ये बर्फ वाला पोकेमोन यहां क्या कर रहा है, बोल गया यार। चल आजा, तेरा कुछ काम नहीं है भाई। मैं आ दूं विस्तु मार। चल बेटा दिखा दे, अबे हो गया तू वापस आ भाई। अनुबिस बहुत ज्यादा ताकतवर है यार। बट एनीवेज आई गेस साले रेप्टेरो आना भाई, चलना भाई, बढ़िया ब्रीडिंग करा के आइस रेप्टेरो निकालेंगे। साले बॉल वेस्ट हो रहा है, आ जा प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो यार, वी हैव अ रेप्टेरो भाई। बाकी मैंने यहाँ के सारे फल वगैरह तोड़ लिया ना। चलो भाई, अपने पास बेसिकली एक और रेप्टेरो हो चुका है जो कि गॉड डैम पावरफुल है। बाकी यहाँ पे विक्सिन घूम रहा है भाई। आई डोंट केयर, विक्सिन अपने पास बहुत है, बट यहाँ पे ये दीवार बहुत ज्यादा ऊंची है। अनुबिस तू आ, चल बीकन, उड़ के चलते हैं यहाँ से भाई। आई एम नॉट किडिंग, यहाँ के एरियाज बहुत ज्यादा अजीब है यार। लाइक देखो ना, दीवार भी इतने ऊंचे, अगर मैं अपने इसको अपग्रेड करके नहीं आता ना बीकन को, भाई मर जाता, सच बता रहा हूँ यार। ओ भाई ये क्या है गाइस, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लीज पंक भाई, ये अलग ही दिख रहे हैं यार, ये क्या है? तू नहीं, तू मत लड़, मिनेस्टिंग तू लड़। चल बेटा, दोनों को मारना है, दोनों को मैं साथ ले जाऊंगा। चल अटैक। अबे तेरी भाई, एक ही अटैक में मार दिया भाई। मर जाएंगे। मिनेस्टिंग मार देगा, कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। चल तू आ, नहीं तू मिनेस्टिंग वापस आ, मेरे पास दो वो खत्म हो गए। चल भाई आ जा। अबे गाइस वो देखो, ब्लेज आउल। ओके वाओ, किस्मत देख रहे हो गाइस? नहीं तुम लोग किस्मत देख रहे हो यार, मेरे पास बॉल ही नहीं है भाई। यार भाई खत्म, कुछ नहीं होगा। प्लीज आ जा भाई, बॉल वेस्ट मत करा प्लीज। साले आना, चलना भाई, मर मत प्लीज यार, ये मेरे पास नहीं है। लीज पंक इग्नाइस नहीं है, लीज पंक है लेकिन लीज पंक इग्नाइस नहीं है भाई। यार ये लावा अटैक दे रहा है भाई। बाकी मुझे उसको भी पकड़ना है, ब्लैज आउल को। एंड क्या आ गया साले, मनी तू मर भाई, तू मर, तेको लेके ही नहीं जाऊंगा भाई। यार कमाल के लोग है भाई, बट यार मेरे साथ जाते वहां पे रहते, इतना अच्छा जगह है। बट एनीवेज यार, वी आर हियर एंड यहाँ पे ब्लैज आउल घूम रहा है जो कि एक फायर टाइप गॉड, एंड वो शायद भड़क गया है, शायद से नहीं भड़क गया, खा रहा है भाई वो। उसके सामने किसको भिड़ाऊं यार, अपना अनुबिस मार देगा, बस यही डर है यार। अनुबिस थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाता है, बट ब्लैज आउल इधर देख, 34 लेवल का है। अभी भाई खत्म, नहीं कुछ नहीं हो रहा। अभी यार वो कितना डरावना दिखता है। अभी भाई खत्म, एक अटैक। भाई ये क्या है, ये कौन सा अटैक है भाई, पहली बार देख रहा हूँ यार। अनुबिस को आग लग गया। ओके आई गेस अनुबिस अब उसको मार देगा पक्का। नहीं मरा वो, खत्म। वाह अनुबिस अपना बहुत ज्यादा ताकतवर है भाई, ब्लेज आउल को मार दिया भाई। डैम यार ये क्या ही पोकेमोन है यार, इसके शरीर को देखो यार, अलग ही टाइप का नहीं दिख रहा है ये मुझे चाहिए भाई, मैं इतना दूर आया हूँ एटलीस्ट इसको तो लेके जाऊंगा। चला जा यार बीकन, ब्लेज आउल भाई बहुत होंगे यहाँ पे। ओ अंडा यार, लेकिन कोई काम का नहीं है, नॉर्मल अंडा है भाई। ये नरक से कम नहीं लग रहा ये जगह, इतनी ज्यादा गर्मी, मजाक से हटके बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। चलो भाई गर्मी तो बहुत है, बट क्या मतलब यार, ब्लेज आउल पकड़ने का मन है मेरा, एटलीस्ट एक
अगर ब्लेस आउल मिल जाए ना तो अपने बेस में रखने के काम आ जाएगा भाई। यहाँ से तो एक भी पोकेमोन नहीं दिख रहे भाई, जाके ढूंढना पड़ेगा क्या नीचे। यार वो लाल लाल क्या है, वो लावा है भाई क्या भाई? पहली बार देख रहा हूँ वैसा कुछ यार यहाँ पे। मैं सही जा रहा हूँ ना? ओके चलो हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं काइंड ऑफ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। वी जस्ट हैव टू फाइंड सम ग्रेट पोकेमोन। इवन मुझे ब्लेस आउल भी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग को दिखेगा भाई। ऊपर से दिख ही नहीं रहा कुछ, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा क्या? ओके मैं नीचे आया और मुझे कुछ पोकेमोन्स दिख रहे हैं गाइस। भाई यहाँ पे लावा का नदी बह रहा है क्या एक? ये देखो उबे तेरी भाई, यहाँ पे लावा का नदी बह रहा है यार यहाँ से, ये देख। और ये चल रहा है लिटरली भाई, एक्टिव वोल्केनो है। ब्लेस आउल एक दिखा था, वो भी यार मर गया बेचारा। उबे इंसेनोराम भाई, इंसेनोराम ये मेरे को पकड़ना है, ये मेरे पास एक भी नहीं है। अबे यहाँ पे दो दो इंसेनोराम है। चल ठीक है बिच्छू। अबे यार अबे तेरे पीछे भी इंसेनोराम है, मर जाएगा यार ये, मर जाएगा। तू आ, तू अनुबिश, अनुबिश इज गॉड। भाई मेरे पास क्यों आ रहा है तू भाग के? भाई साहब मेरा शील्ड तोड़ दिया। आता मैं तो अनुबिश को मार के दिखाना भाई, मेरे को क्या मार रहा है भाई? ये दौड़ता क्यों है भाई? चल अनुबिश, अनुबिश तू क्या बच्चा है भाई? इसलिए मैं बोल रहा था मेरे को जंगली अनुबिश चाहिए यार। चल चल अनुबिश, अनुबिश आने नहीं दे रहा है। ओके भाई साहब मेरा हेल्थ गया है, लिटरली मेरा हेल्थ गया है। ओके अबे आप लोगों ने देखा कि नहीं, एक अटैक अनुबिश का, एक अटैक। वाह मैं गया, मैं भाग रहा नहीं, भागूंगा साले तेरे को। अबे शिट मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया, मेरे को निकलना ही पड़ेगा, सच में निकलना पड़ेगा गाइज। अगर ये मुझे मारा ना डैम में मर जाऊंगा भाई, ये बहुत ताकतवर है यार। ठीक है भाई देख लूंगा तुम लोगों को, भाग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फिर नहीं आने वाला। यार इधर अलग ही टाइप के पोकेमॉन्स हैं यार, वो देखो इटर्नल्स घूम रहे हैं भाई। क्या जगह है यार, ये लावा भर के भाई पूरा इधर। ओ भाई ये तो, अबे तेरी भाई, चल उड़ उड़ शिट। ब्राइन नॉक्ट का भाई झुंड मिल गया। अच्छा खाली प्राइन है, ओके नहीं मेरे को निकलना चाहिए यार, पूरा झुंड है भाई। आई जस्ट वॉन्ट टू सी की भाई यहाँ पे वो का है चेक पॉइंट यार, मुझे घर जा। अबे वो देखो एक और ब्लेस आउल, लेकिन यार मैं मार दूंगा उसको भाई, वो अकेला ब्लेस आउल है, पकड़ भी सकते हैं, बट अभी वो बहुत ताकतवर है एंड मेरे आधे से ज्यादा पोकेमोन डैमेज है। और इवन मेरी हेल्थ भी देखो भाई बच गई है मेरी यार, डर डर के भाई। बट नो प्रॉब्लम यार, अगले एपिसोड में डेफिनेटली पकड़ेंगे, या फिर आगे जाते तक मेरी हेल्थ बढ़ गई तो पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। बाकी रात भी हो रही है, मुझे संभल के रहना होगा। व्हाट द हेल भाई, लिटरली इट इज अ हेल, ये नर्क है भाई, दिख रहा है, देख के ही लग रहा है भाई। रात हो रही है और मैप खोलो यार। अबे ये क्या है, जेट ड्रैगन क्या है यार उसका नाम? जेट ड्रैगन, ओके जेट ड्रैगन, ये गेम का शायद बॉस है जेट ड्रैगन यार। और अबे वो क्या, रैग्नाहॉक भाई, इधर रैग्नाहॉक उड़ रहे हैं, मैं जंगली रैग्नाहॉक पहली बार देख रहा हूँ, मेरे पास एक अंडे से निकला था पता है पिछले एपिसोड में। एंड वो देखो ब्लेस आउल भाई, रात में इन लोगों की शक्तियां दुगनी हो जाती होगी यार, नहीं शायद कम हो जाती होगी क्योंकि रात में थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है ना। रात में हम लोग आ सकते हैं इन लोगों के ऊपर अटैक करने। वो देखो भाई रैग्नाहॉक और उड़ रहे हैं, रैग्नाहॉक के जंगलों में हम लोग आ चुके हैं गाइस, बस मुझे थोड़ा सा संभल के रहना होगा। इंसेनोराम भाई, यहाँ पे सारे पोकेमॉन्स लगभग झुंड में ही रहते हैं यार। भाई मैं घूम तो रहा हूँ लेकिन मुझे वो चाहिए यार चेक पॉइंट भाई, मेरी गर्मी में गाइस कहाँ घूम रहा हूँ मैं भाई। ये देख रहे हो अब सबके सोने का टाइम है, नहीं इन लोग अभी सोए नहीं है, लगभग कह लो सोने वाले हैं बिकॉज रात होने वाली है यार। मुझे भी फास्ट ट्रेवल ढूंढना होगा अगर घर पहुंचना है टाइम से तो। भाई यार पास में फास्ट ट्रेवल यहीं पे, इस तरफ चलते हैं भाई। वो पेड़ देख रहे हो उधर, चमक रहा है यार पेड़, और जिसका डर था वही हुआ, रात हो चुकी है भाई। ओके पास में फास्ट ट्रेवल है, परफेक्ट। वहां पे एक फास्ट ट्रेवल है, किस्मत भाई। ओ नदी है क्या वहाँ भाई? ये कौन सी जगह है ब्रो? यहाँ पे कुछ तो है, ये किसी की मूर्ति है, रुको। आई गेस गाइस मैं जो सोच रहा हूँ ये वही जगह तो नहीं भाई, मैं गलत जा रहा हूँ लेकिन मुझे पीछे जाना चाहिए यार। किधर है मूर्ति? अच्छा उधर तरफ है ना। अभी फिलहाल यार मूर्ति वगैरह तरफ बाद में जाएंगे, फिलहाल मुझे फास्ट ट्रेवल चाहिए भाई। अच्छा वो रहा फास्ट ट्रेवल ना, दिख रहा है मुझे वो, देखो नीचे में लाल रंग का चमक रहा है यार। घर जाके सोना है भाई। यार यहाँ के रात के ब्लेस आउल देख रहे हो, दिन में अलग ब्लेस आउल घूमते हैं और रात में अलग ब्लेस आउल घूमते हैं। ये नॉक्ट वाले ब्लेस आउल है, मतलब मिलावट वाले, ठीक है, क्रॉस ब्रीड वाले ब्लेस मौत है, मतलब इसका पापा ब्लेस मौत था और मम्मी जो थी वो आइस टाइप पोकेमोन थी। ये वाला सीन है, क्रॉस ब्रीड है कह लो यार। बट एनीवेज हम लोग जिसके लिए आए थे वो हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी वो देखो यार रैग्नाहॉक सो रहा है, हवा में उड़ते सो रहा है यार, इधर के पोकेमोन से अलग है। बट खैर अपना ये खुल चुका है फास्ट ट्रेवल एंड चलते हैं अपन भी घर। वैसे आज हम लोग यार कुछ और काम से निकले थे, मैं घर कुछ और रहा हूँ भाई, ठंडी लग रही है, ठंडे कपड़े पहन लेते हैं। वेलकम टू द विनस वाइफ भाई, मेरे सारे पोकेमोन हो गए, गाय वाय से लेकर अनुबिश सब कोई सो चुके हैं, आधे पोकेमोन तो यहीं बाहर में ही सो रहे हैं। बट एनीवेज हम लोगों को आज एक नया घर बनाना है, बड़ा सा छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा सुंदर सा घर। फिलहाल सो जाते हैं, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग गाइस। चलो भाई दोबारा से निकला जाए अपने सफर की ओर एंड मुझे इस तरफ के एरियाज में घर देखना है, अगर मिल गया कोई अच्छा सा जगह जहाँ पे हम लोग घर बना सके, राइट, ऊंची जगह हाइट पे और जगह बहुत ही सुंदर यार। वेलकम टू द बैम्बू हिल्स, यहाँ पूरे बैम्बूज के पेड़ है, आ जाओ भाई यहाँ पे। आर सॉक्स घूम रहे, अरे ये एरिया भी तो बढ़िया लग रहा है, मैं मस्त जगह आया।
हूँ भाई। आते साथ लैंड करते साथ एकदम परफेक्ट जगह है यार। और उधर देखो आइस आइलैंड है पूरा, नहीं वो आइलैंड है, वो फायर आइलैंड है। लेकिन ये एरिया मजाक सेट किया यार, बहुत सही लग रहा है मुझे यार। ग्रीन टाइप पॉकीमॉन्स यहाँ पे बहुत घूमते हैं, जंगली एरिया भी है, परफेक्ट है। नहीं रुको, और यहाँ पे कोई एक जगह वो भी मिलता है बहुत सारा कोर वगैरह। ओ नहीं वो ये आइलैंड था, नहीं यही आइलैंड था यार, नहीं वो ये आइलैंड था, बी आइलैंड था। ओके मैं गलत जगह पे, इधर बनाना सही नहीं रहेगा, इस तरफ के कोई एरियाज पे देखते हैं यार। ये आइलैंड भी अच्छा है, माउंट फ्लॉपी, फ्लॉपी का जंगल भी बॉस नहीं रहता है। बाकी इधर ज्यादातर इलेक्ट्रिक टाइप जैसे कि यूनिवॉल्ट वगैरह घूमते रहते हैं, आरसॉक्स हो गए। इधर के पॉकीमॉन सुंदर है यार, सारे के सारे ग्रास टाइप पॉकीमॉन्स मेजोरिटी घूमते हैं। बट मुझे इस आइलैंड पे चाहिए, ताकि यार मैं चाहता हूँ मेरा आइलैंड आइस आइलैंड के पास हो भाई, दैट्स माय रिक्वायरमेंट। वेलकम टू द मूनलेस शोर यार। आ जाओ भाई बीकन, चल। किसको किस बेचारे सिनेमा मौत को क्यों मार रहा है भाई तू, क्या दिक्कत है तेरे को, बेचारे तितली लोग को मार रहे हैं। यहाँ पे बना ले क्या बेस? नहीं यार, हम लोग वो जगह पे भी बना सकते हैं। वेट अ मिनट, ओ इलेक्ट्रिक एग यार, सबसे रेयर मुझे इलेक्ट्रिक एग ही मिला है भाई इस गेम में, और वो भी लार्ज एग है, कुछ अच्छा पोकेमोन निकल सकता है। चलो भाई चलते हैं पड़ोस वाले आइलैंड पे, और नीचे वो देखो उल्लू का बेस भी है, वो एरिया सही लग रहा है मुझे, नहीं पता क्यों। और घूमते घूमते गाइस मुझे यहाँ पे अंडा मिल गया है, वो भी ह्यूज है शायद, ये ह्यूज है भाई, इससे निकलेगा लेजेंडरी पोकेमोन यार। कितना बड़ा मेरे साइज का अंडा है यार, ग्रास टाइप यार, इससे कोई लेजेंडरी निकलने वाला है भाई। डैम कितना छुपा के अंडा दिया है ना। बाकी इधर अलायंस वाले क्या कर रहे हैं भाई, आनुबिस जा तो मैटर निपटा। चल 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 ठीक है, इसको अपन पकड़ लेते हैं। भाई भाई मेरे को क्यों मार रहे हो, आनुबिस को मारो ना यार, आनुबिस कर क्या रहा है। अबे तू वापस आ, तू बहुत नाटक करता है। रेप्टारो तू जा, आइस टाइप रेप्टारो, चल कमाल दिखा। ए भाई डंडा लेके आ रहा है, डंडा लेके तू मेरे को मार भाई, नीचे गिर गया, जा तू मर। बाकी रेप्टारो कैसा अटैक दे रहा है, बर्फ बना दे भाई, खत्म। बाकी मुझे इसको पकड़ना है यार, चल चल तू मेरे साथ चल। बाकी रेप्टारो उन लोगों को छोड़, इन लोगों को मार, तू मार तब तक मैं लिफ्ट मंक लेके आता हूँ। बाकी बी ग्रेड अपने अपने उसमें आ गए यार, बॉल के अंदर। ओ मार दिया, एक नंबर यार। चल आजा रेप्टारो, आजा तुझे पेट कर लेता हूँ भाई, चल आजा आजा, ले 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 मेरा रेप्टारो, आइस टाइप रेप्टारो, खुश हो गया यार। चल आजा आजा बॉल के अंदर। बाकी यहाँ पे इन लोगों ने टीफेंट को कैद करके रखा था यार, बेचारा टीफेंट भाई हाथी जैसा दिखता है, उसको पकड़ लिया है यार, छोटा हाथी भाई कितना उदास लग रहा है। बट एनीवेज अभी अपने साथ रहेगा। बाकी आगे का सफर इस पे तय करते हैं, ऊपर ही जाना है। गोरेट गोरेट गोरी रेट जो भी नाम है तुम लोग, वेलकम टू द वर्डन ब्रोक यार। भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता ही अलग है यार इधर का। अबे तेरी यार लाया भाई, नीचे गिर गया मैं यार, क्या है यार, क्या फेंगलो तू, तू थोड़ा ज्यादा तेज है भाई, बीकन ही ठीक है। एक बार में ऊपर शॉर्टकट भाई, यार ये तो वही आइलैंड है जहाँ पे मुझे वो मिला था। ओके आई मीन वो जो एक पोकेमोन नहीं थी भाई, जहरीली वाली, जिससे मैं बार बार मर रहा था, हाँ वो देखो वही आइलैंड के ऊपर हूँ भाई मैं। यहाँ पे अपना बेस भी है पास ही में यार। ओके फाइन, हम लोग यहाँ पे अपना बेस बना सकते हैं अगर ये जगह अच्छा होगा तो। नहीं यार बुरा नहीं है भाई, बढ़िया जगह है, और साइज जगह का ठीक ही ठाक है आई गेस सो। लेकिन इससे भी बड़े बड़े जगह है, और साले लोग आते साथ ही मार रहे हैं मुझे। झटका दे दो भाई एक हाथ को, खत्म। किधर किधर भाई, दोनों खत्म। चल 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 चल, वो देखो अपना वहाँ पे एक बेस भी है, फुल जोर शोर से काम चल रहा है। ये जगह बना सकते हैं, लेकिन ये भी छोटा लग रहा है यार। ये जगह देखिए क्या बहुत बड़ा लग रहा है देख के यार, ओपन एरिया। बाकी ये बेस में अपने पोकेमॉन्स कैसे काम कर रहे हो यार तुम लोग। ओके ओके, लोग लकड़ी पत्थर तो तोड़ रहे हैं। बाकी अपने बॉक्स के अंदर भाई, ओके कोल 800 कोल जमा कर लियो तुम लोग, एक नंबर भाई, करते रहो ऐसी काम करो। यहाँ के बंदे पूरे डिप्रेस्ड हैं यार बेचारे लोग, लेकिन करना तो पड़ेगा मेरी जान। लेकिन अब रिलैक्स करो यार, अब बहुत हो गया, 800 कोल बहुत होते हैं, आराम करो तुम लोग। अभी खाने वाने को मिल रहा है ना सब खाना। ओके भाई 1200 खाने के आइटम है, इन लोगों के लिए वो बना सकता हूँ क्या मैं, हॉट स्प्रिंग। भाई पैल फ्लूइड लेके नहीं आया, किस्मत खराब है यार तुम लोग। बट एनीवेज ये जगह चलते हैं, और वहां से वहां उड़ के चले जाएंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड आइलैंड यार। वाओ आते साथ ही इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, वाओ मारे पे मारे जा रहे हैं। क्या नदी है यार यहाँ पे, बेदम बड़ा नदी है भाई। वेलकम टू द फ्रॉस्ट बाउंड माउंटेन यार, आई गेस ये माउंटेन में मैं पहली बार आया, आया भी हूँ तो बहुत कम आया हूँ, यहाँ पे पत्थर वत्थर बहुत है, कोल नहीं है यार। ये जगह मैं सचमुच पहली दूसरी बार आया हूँ यार, ये जगह तो मेरे को। ओके ये इन लोगों का बेस है भाई, वाओ इतना बड़ा एरिया को इन लोगों ने बेस बना के रखा है, वाओ यार ये जगह मस्त हो जाता है यार, बहुत ओपन है भाई। ऑलराइट गाइस यार, इतना ढूंढने के बाद फाइनली भाई मुझे एक जंगल मिल गया है, एंड यहाँ पे हम लोग अपना बेस बना सकते हैं। ये थोड़ा सा घना घना जंगल है, प्लस इसमें एडवांटेज क्या पता है, सबसे पहली बात भाई आयरन माइनिंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी नए जगह की, क्योंकि यार यहीं पे आयरन माइनिंग भी हो जाएगा, साथ ही साथ अपन यहाँ पे बड़ा सा बेस भी बना सकते हैं यार। आयरन माइनिंग वाला फार्म वैसे भी अपना जो है, मैं मैप खोलता हूँ, हम लोग का आयरन फार्म यहाँ पे है ना, यहाँ पे आयरन फार्म है, V2 डिसमेंटल। अच्छा मैं यहीं से तोड़ सकता हूँ क्या उसे? ओके लेट्स गो, तोड़ दिया मैंने, और
इन्वेंटरी मेरा फुल हो गया, सारी चीजें मुझे यहाँ मिल गई है। और अब और मेरे को मैंने गलती कर दी शायद, मुझे अभी तोड़ना नहीं था, बट खैर हम लोग यहाँ पे अभी अपना एक बेस बना सकते हैं और ये एरिया होगा अपना बेस का। ठीक है, पहले मैं खाली कर लेता हूँ बैग। और क्या कचरा रखा है मैंने, कोल वगैरह कोई काम का नहीं है, बाकी सारी चीजें उठाओ। लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है, वाओ। अब मैं बना सकता हूँ क्या? ऑलराइट गाइस, यार हम लोग अपना बेस को अब यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ रखते हैं, बिकॉज इसको बनाने के लिए कौन है भाई? अनुबिस, चल भाई मैं लेके आया हूँ, किस्मत है। इसका रेडियस कितना है वो देख लेते हैं पहले। आजा बीकन, ऐसा रेडियस चाहिए कि लाइक पत्थर, अच्छा हाँ चलो ओर वगैरह भी अपनी रेडियस में आ रहे हैं, सामने वाला पत्थर भी रेडियस में आ रहा है, परफेक्ट एक नंबर भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बढ़िया जगह है भाई। आजा 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 आजा, मिनेस्टिंग तोड़, इसको तोड़ेगा ना तू? ओके हाँ तू तोड़ सकता है ना, चल तोड़ 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 भाई, सही है भाई। यहाँ पे अब रहेंगे सारे पोकेमॉन्स, बुला लो सबको, निटिविंग वगैरह जो काम के हैं, रेप्टेरो मन को बुला लेता हूं, इन लोग माइनिंग अच्छा करते हैं, और हाथी को बुला लेते हैं। हाथी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाले बंदे चाहिए, तू आ भाई। आर्सॉक्स फायर के लिए, अबे तेरी जॉर्मुंटाइड का 4 है फायर का भाई, एक भी नहीं, लिटरली 4, मैं पहला देख रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो मैंने 4 किसी का देखा है भाई, रुको मेरे को एक बार चेक कर दे। तो इसका 4 है, ये देखो फायर इसका बहुत ज्यादा ताकतवर है। आर्सॉक्स का 3 है, बहुत ही है यार, इसका माइनिंग 4 है भाई, चला जा तू माइनिंग कर। एस्ट्रियोजन माइनिंग करो सर, ट्रांसपोर्टेशन 3-3 है भाई, तू आ। मैंकी पकड़ना पड़ेगा मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाकी बीज मन को रख लेते हैं, इन लोग भी अच्छा मेहनत करते हैं। इलेक्ट्रिक टाइप की तो जरूरत नहीं है, इसको भी तू भी आ जा, और डूमर्ड तू भी आ, दो डूमर्ड आओ। बाकी भाई वर्ड, भाई वर्डेंट भी है ना अपने पास, कितने वर्डेंट है यार, वर्डेंट काम के हैं भाई, एक ही वर्डेंट है शायद, बट एनीवेज इन लोग सबके सब लगे पड़े हैं। करो भाई काम, अपने को चेस्ट बनाना है, कितने पत्थर तोड़ दियो भाई, माइनिंग करना बस नहीं है, बस माइनिंग नहीं करना है, बाकी काम भी करना है। पेड़ काट रहे हो ना, पेड़ दो, लकड़ियां चाहिए मुझे, एक नंबर भाई। हम लोग क्या मस्त जगह बना रहे हैं यार घर, यहाँ पे पेड़ है, पत्थर है, माइनिंग करने के लिए जगह है भाई, क्या सही जगह है यार। और ऐसा भी नहीं कि भाई मुझे अपना पुराना बेस तोड़ना पड़ रहा है, नहीं सब सही है, बस आई गेस मुझे यहाँ पे पत्थर नहीं मिलने वाले शायद, मुझे अपने बेस जाना चाहिए और कुछ पत्थर लेके आने चाहिए और कुछ चीजें भी खाली करनी चाहिए भाई, ये सब खाली करो। अंडा इतना सारा रखा हुआ हूँ भाई, ये मतलब का 10 टोक तो अंडा ही है मेरे पास। पत्थर लाओ, पत्थर थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ पे एक मेटल चेस्ट बनाते हैं, बन जा भाई बन जा। ओके चलो यहाँ पे बन जाएगा, जल्दी बनाओ अनुबिस, जल्दी बना जल्दी बना, परफेक्ट। खाने पीने की चीजें मैं तो बोल रहा हूँ पूरा छोड़ देते हैं अभी यार, फिलहाल जो काम की चीजें है ना उन्हीं को खाली रखते हैं, और कुछ बॉल्स रख लेते हैं, ऑफकोर्स बॉल कभी भी काम आ सकते हैं, स्पेल फ्लूइड काम भी आ सकता है, पत्थर काम ही आएंगे, लकड़ियां रख लेते हैं और रख लेते हैं, गोलियां वगैरह भी कोई काम की नहीं है, इसको भी नहीं रखते, वो भी नहीं, शील्ड कवच वगैरह रख लेते हैं। ओके बाकी यार मेरा बैग कैसे भरा हुआ है, आधे पत्थर भाई, इतने ही चाहिए खाली। और जो बेसिक चीज है, थ्रेड हो गया, वुल हो गया, वो सब रख लेते हैं। ओके लेदर भी थोड़ा सा रख लो, और पत्थर वगैरह नहीं, सर्किट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, लकड़ियां वहां हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंगट रख लेते हैं थोड़ा सा, भर जाएगा क्या बैग? अरे भाई आधा इसी में भर गया, आधा करो भाई आधा करो, पत्थर लकड़ियां तो बहुत है यार, पैलेडियम। ओके यार वहां पे, ओके वहां पे पैलेडियम की कमी पड़ने वाली है बॉस, पैलेडियम वहाँ बहुत कम है। वेलकम टू द बैम्बू ग्लोव यार, यहाँ पे अपना नया घर बनने वाला है, पहले तुम लोग मटेरियल, भाई वुड नहीं है बोल रहे हो यार, भाई ये लोग क्या बोटा है, लोग क्या तमाशा देख रहे हो तुम लोग, अभी भी वुड कम है भाई, ऐसा क्या रखा हूँ मैं, पत्थर फेंको फिलहाल। लो भाई यहाँ सारी चीजें रखो, अनुबिस जल्दी बना, चलो चलो फटाफट जो जो मैं मटेरियल लेके आया हूँ यहाँ डालते हैं, पेल फ्लूइड से लेकर हर एक चीज, अंडे भी है ये खैर बाद में काम आएंगे। एनीवेज सारा काम चालू है भाई, इन लोग यहाँ पे डालना भी चालू कर चुके हैं, लकड़ी पत्थर और सब जमा हो रहा है। एंड अब हम लोग यार बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी लकड़ी पत्थर लेके आते हैं, ताकि हम लोग अब घर बना सके, लेट्स गो। बाकी इन लोग पत्थर वगैरह तो जमा कर रहे हैं ना, यहाँ जितनी भी लकड़ियां हैं सब चाहिए मुझे, जितनी भी पत्थर हो गई, लकड़ियां हो गई, भले मैं कितना भी स्लो चलूं भाई साहब यार 11,000 सामान है मेरे पास। फैंगलव तू बिठा ले भाई, बिठा ले यार, कहाँ भाग रहा है। ओके लेट्स गो, भाग 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 भाग, डैम इतने स्पीड भाग रहा है भाई, चलो खैर पहुंच गए, बिठा ले फैंगलव, फैंगलव भी कहाँ भाग गया भाई, चल 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 परफेक्ट भाई। भाई साहब 2,000-3,000 लकड़ियां लेके आया हूँ मैं, बट एनीवेज इसको तोड़ो यार, पहले तो मुझे घर बनाना है भाई, एक छोटा सा काम चलाओ सा वो बना लेते हैं, अभी रात हो रही है ना सोने के लिए यार। यार यकीन मानो यार, ये जगह बहुत लोगों को अजीब लग रही होगी, बट लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना, बट जो मैं अभी बनाने वाला हूँ ना भाई, आई डोंट थिंक सो वैसा अभी तक किसी ने बनाया होगा यार। अपने को बेड के लिए वुल चाहिए, वाओ मैं वुल तो लेके आया हूँ यार, वुल नहीं है क्या? लेदर लेके आया था मैं भाई, छोटी छोटी चीजें लगती है, वुल वगैरह तो बहुत होगा इधर, 5-5 वुल है। चलो भाई इन लोग तो यार पूरा जंगल खाली कर देंगे लग रहा है भाई, बट एनीवेज फिलहाल बेड बनाते हैं, चल अनुबिस फटाफट बना, मैं तो सोना है यार, कल सुबह उठ के पूरा काम करना है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार सुबह हो चुकी है, एंड इन लोग यार रात भर आई गेस काम किया है, बट यार तुम लोग ये वाला पत्थर को नहीं तोड़े, बिकॉज ये जगह मेरे को बनाना है घर, जल्दी तोड़ो फटाफट, जल्दी जल्दी अनुबिस। यार ये बिचारे लोग रात भर काम करेंगे भाई, इन लोग के लिए कुछ बेड वेड मैंने नहीं बनाया ना, इन लोग की तो हालत टाइट होने वाली है।
ऑल राइट यार, सूरज भी निकल गया। हम लोग बहुत ऊपर है ना, बोल के यार सूरज भी इधर बहुत जल्दी निकलता है। ऑल राइट यार, ये टूट चुका है। अब चलो भाई यहाँ पे मस्त सा घर बनाते हैं यार। पहले फाउंडेशन चाहिए मुझे, यहाँ से बनाते हैं। ये एरिया पूरा कवर करेंगे। चलो ये हो गया बेस। आई मीन अभी भी नहीं हुआ, बहुत बनाना है यार। चलो भाई, बाकी यार घर तो मैं लकड़ी का ही बनाऊंगा सोचा हूँ। पत्थर के घर मजा नहीं आता यार सच में, मजाक सट के। ये होगा सेंटर में गेट। अरे अरे, यहाँ पे गेट और इसको थोड़ा यहाँ पे खिड़की ऐसा दूर दूर थोड़ा सा, और यहाँ पे भी खिड़की। बाकी ये सारे जगह पे बनेगा घर। लेट्स गो भाई, अब तो बहुत बड़ा घर बनने वाला है यार। चलो भाई, ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। हम लोग बढ़िया यहाँ से ऐसे घर के अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे घर, यहाँ से ऐसे बाहर, और यहाँ पे होगी सीढ़ियाँ। भाई यहाँ पे तो लग जाए यार। ओके परफेक्ट, यहाँ से ऐसे ऊपर आएंगे और सेम उस तरफ भी ऐसी होगा। भाई यहाँ पे भी पहले छत बनाते हैं। यार मेरे को माइनक्राफ्ट ट्राई करना चाहिए। नहीं, बढ़िया घर बना रहा हूँ यार। सेम डिजाइन परफेक्ट, और यहाँ पे ये गेट परफेक्ट। ये एरिया पूरा ओपन रहेगा, हम लोग यहाँ से नीचे देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा ऊपर तक बंद होगा पता है। आई एम सेइंग कि भाई ये ऐसा बंद रहेगा, ऐसा लगना चाहिए यार कि भाई बहुत बड़ा घर है। ओके ओके, इधर भी लग जा परफेक्ट, और ऊपर में भी रहेगा रूफ यहाँ पे परफेक्ट, और ये ऐसा ऐसे ऐसे। चलो ये हो गया, यहाँ बीच का एरिया खाली रखूंगा मैं परफेक्ट। वॉल्स इसके ऊपर भी, लेट्स गो। नहीं यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे जरूरत है। लेट्स गो, और इसको ढक देते हैं। भाई चढ़ जा ऊपर यार। चलो ये हो गया ऐसे, ये हो जाएगा, लग जा ऐसे परफेक्ट। और ये एरिया थोड़ा सा खुला रहेगा, ये एरिया में हम लोग और बॉक्सेस वगैरह रख सकते हैं, लाइक कुछ सामान वगैरह रखना रहेगा ना मुझे। कहाँ गया, मेटल चेस्ट वगैरह हो गया, इंगट वगैरह नहीं है बट हो जाएगा ठीक है। बाकी यार कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फिलहाल घर। आई नो कि भाई उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं अच्छा लग रहा है यार। खास क्या बात है भाई, अच्छा तो दिख रहा है। आई थॉट कि भाई थोड़ा सा बेकार लगेगा बट सही है। बाकी ये एरिया को भी कवर करना है परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स गो भाई, अब अच्छा लग रहा है ना, ये एरिया को ऐसा रखेंगे। रुको, लग जा, अब नहीं लगने वाला ये यहाँ पे। ओके लग गया, चलो अब परफेक्ट है। ऊपर का छत भी दिख रहा है। ऐसे हम लोग नीचे से अंदर आएंगे, और यहाँ पे आई गेस गेट रखने की जरूरत नहीं है, और पीछे तक हम लोग वॉल ले सकते हैं यार। नीचे का एरिया तो पूरा पैल्स के लिए रखूंगा मैं, और सब में खिड़की लगाएंगे भाई, धूप भी जरूरी है यार। धूप भी आएगा तब तो अच्छा लगेगा घर। लेट्स गो, सारे तरफ खिड़कियां, तभी तो देख के पता चलेगा भाई यहाँ पे हो क्या रहा है यार। चलो भाई परफेक्टली यहाँ पे खिड़कियां बन गई है, और पैलेस के लिए मैं बेड भी बनाया था, अगर बन जाएगा तो बन जाएगा, बहुत है। भाई कौन किधर घूम रहा है, वापस आओ वॉल के अंदर। ओके, यहाँ से पूरा ये एरिया पूरा पैलेस के लिए रखूं सोच रहा हूँ मैं तो। इधर हो गया ये कितने पैलेस है टोटल। ओके चलो, इन लोग के लिए बेड वगैरह तो बन रहा है। भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे सारे पोकेमोन इतने ज्यादा स्टारविंग, माइनर, वीकेंड, भाई दुनिया भर का बीमारी हो गया भाई। बट एनीवेज यार, अच्छा अभी सुबह हुई है क्या, मेरे को लगा रात हो रही है यार। आधे पोकेमोन तो यहीं पे सो गए भाई। रुको, मेरे को बेस जाना चाहिए यार, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, वरना इन लोग तो भूख प्यास से मर जाएंगे। यहाँ के पोकेमोन तो ठीक ठाक हो गए, इन लोगों क्या है भाई, खाना पीना सब मिल रहा है। लाओ भाई दूध, लाओ आधा दूध और आधा ये, और आधे अंडे भी लाओ, और बेरीज भी एक काम करो आधा दे दो भाई। बाकी चलो यार, इन लोगों को भी खाना आना खिला देते हैं भाई, बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं, और मैं इतना काम भी करा रहा हूँ। एनीवेज वी आर हियर, और वो बॉक्स का है जिसपे खाना रखा है। ओके, ये रहा स्ट्यू। चलो भाई आलो भी फटाफट बना, एक नंबर। लो भाई चलो खाना खाओ जल्दी आओ भाई। अच्छा इन लोग सो रहे यार, बेचारे लोग भाई खा रहे, कुछ पोकेमॉन्स आके खा रहे, इन लोगों को अच्छा लग रहा है भाई यार। चलो भाई, और कुछ के पार्ट यहाँ पे मैंने बेड भी नहीं बनाया, रुको बेड बनाते हैं। ओके कितने बेड हो गए टोटल, इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ो। भाई डिप्रेस्ड है, सिक है, भूख लगी है, लेकिन ठीक है अभी लोगों को खाना वगैरह मिल रहा है। बाकी एक कैंप फायर भी यहाँ पे लगा देता हूँ मैं परफेक्ट। चल अनुबिस तू बना। चलो भाई इन लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा होगा अभी। बाकी यार अभी बहुत सारी चीजें लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि यार वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना भाई। बेरीज के सीड ले चलते हैं, और पत्थर वगैरह नहीं, और टमाटो फार्मिंग करेंगे वहाँ पे परफेक्ट है। पत्थर वगैरह नहीं, लेकिन वो लेके चलते हैं पैलेडियम, और क्या मेडिसिन लेता हूँ भाई, और क्या है इंगट वगैरह अभी तो नहीं रख लेते हैं, 50 इंगट ज्यादा हो जाएगा क्या, आधा ही रखते हैं, आधा का भी आधा लेस को इतना ठीक है। ओके जितनी भी जरूरत की चीजें थी मैं तो यहाँ लेके आ गया हूँ। वुल इंगर्ट ये सबको डाल देते हैं, और वगैरह भी है मेरे पास ठीक है। वीट को भी दे देता हूँ, इन लोग खा लेंगे भाई वीट वगैरह। चलो भाई लोग खाना वाना खा रहे हैं, अभी लोगों को भूख नहीं है, बस इन लोग थोड़े डिप्रेस्ड है क्योंकि इन लोगों के लिए बेड्स नहीं है यार। यार इन लोगों के लिए बेड्स मैंने फालतू में अंदर बनाया भाई, बढ़िया बाहर में बनाता यार। रुको इन लोगों के लिए बेड्स हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसको तोड़ते हैं यार, लग जाना यार, क्या दिक्कत है। चलो लग गया, और कुछ वॉल्स। भाई ये पेड़ को काटो भाई, जल्दी आओ कोई काटने, कौन है पेड़ काटने वाला, रेप्टेरो तू आ। चल भाई
भाई कोई हेल्प नहीं करने वाला क्या पेड़ काटने में? कौन अच्छा हेल्प कर सकता है मेरा पेड़ काटने में? बीकन तो नहीं, मुन्ना सिंह अच्छा ये कर सकता है। चल आ जा भाई। नहीं यार अपन इसको निकालते हैं। चल आ जा, लेट्स गो, फटाफट पेड़ तोड़ भाई मेरे साथ। चल मुशांडा लक्स तू पेड़ तोड़ फटाफट ये वाला यार, बाकी तब तक मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। लेट्स गो, पेड़ तोड़ दिया भाई वो। पहले तू वापस आ इधर, ये भी ऐसा यार ट्रांसपेरेंट बनाएंगे भाई, वो भी खाली कॉर्नर में ज्यादा बेटर है यार। क्या, चलो परफेक्ट है। एक इधर और एक इधर और एक इधर, एक इधर और इधर, कितने बेड्स हो गए? अंदर के बेड्स नहीं चाहिए भाई मुझे। तोड़ो 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 तोड़ो, जो सो रहा है उसको भी उठाना पड़ेगा, बेचारे लोग यार जैन से सोने भी नहीं देता है बोल रहे हो भाई, कोई डिप्रेस्ड है कोई कुछ है। बट एनीवेज यार ये सारी चीजें मैं इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। चल अनुबिस तू अकेले काम कर भाई। भाई क्या हो गया, यहाँ और नहीं बन सकता क्या? भाई क्या दिक्कत है, एक बना रहा हूँ दो टूट रहे भाई। अनुबिस चल जल्दी जल्दी ठोक ठोक के बना। नहीं चल जल्दी जल्दी बना, इसको ही बना, सबको बना फटाफट। चलो भाई परफेक्टली सबके लिए बेड हो चुका है। एक बेड और लगाना है यहाँ पे, बस लग जाएगा क्या? ओ परफेक्ट। चल अनुबिस फटाफट तू यहाँ पे बेड बना भाई, सबके लिए बेड भी हो गया। और मैं बोलता हूँ यार इसका छत को थोड़ा और ऊंचा करते हैं, बहुत ज्यादा नीचे है, बड़े बड़े पॉकीमॉन्स भी रह सके, मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ यार। ओके लेट्स गो भाई, इन लोगों के इतना बड़ा छत रहेगा ठीक है, ये पूरा एरिया पॉकीमॉन्स के लिए। बस एक चीज की दिक्कत है, ये वाला पेड़, ये पेड़ को भी तोड़ना पड़ेगा मुझे। चल भाई फटाफट मुशांडा तोड़ भाई, पेड़ की यहाँ कमी नहीं है ना, तो जितना हो सके उतना पेड़ तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना भाई, पेड़ तोड़ना है। चल 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 पेड़ तोड़। बाकी भाई ये उड़ के क्या देख रहा है? अच्छा हंगरी है क्या? खाना वाना खत्म हो गया क्या? खाना तो है यार, खाओ यार। बाकी भाई घर पे काम करेंगे, फिलहाल मैं इन लोगों के खाने वाने का तैयारी कर देता हूँ यार, खाने का बड़ा दिक्कत है। इधर के पूरे एरियाज खाने के लिए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है राइट, ये पूरा एरिया फार्मिंग का होगा। यहाँ पे सारी टाइप की यार बेरीज, यार मेन प्लांटेशन यार हम लोग बेरीज ही करते हैं ना, बेरीज पे सबसे ज्यादा खाना उगता है, बेरीज का है। किधर है भाई बेरी? बेरी प्लांटेशन, ओके ये रहा बेरी प्लांटेशन, हम लोग करने वाले हैं यहाँ से शुरू। ओके यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा। ओके बेरी के सीड्स नहीं है, रुको अभी यहाँ नहीं बनाते, यहाँ पे एक बनाते हैं और एक इधर बनाते हैं, परफेक्ट। चलो भाई उधर का वो पेड़ भी टूट गया ना। चलो भाई अब एरिया अच्छा लग रहा है यार, ये खुला खुला मस्त सा यार। इधर का बेड बनाना बाकी, अनुबिस फटाफट बेड बना भाई, तब तक हम लोग ऊपर का छत बनाए थे। लेट्स गो, ये एरिया भी हो चुका है कंप्लीट भाई, जल्दी जल्दी बना यार, टाइम नहीं है भाई, एक ठोक बना के खुश हो जाता है भाई। चल इसको ही बना फटाफट, परफेक्ट, इसको ही बना दे भाई, एक नंबर, इसको ही बना भाई, बार बार बुला के भेजना पड़ रहा है। बट एनीवेज यहाँ पे टोटल 17 बेड हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, 18 बेड हो गए, 18। एंड उधर शायद फार्मिंग भी चालू हो गया क्या? ओके बेरी प्लांटेशन चालू हो गया यार, बेरीज उगना भी चालू हो गए। अब हम लोगों को ये भी बनाना है, रुको वीट प्लांटेशन भी हो सकता है ना यहाँ पे यार, चावल को इधर तरफ उगाएंगे। ओके और मेरे को वीट पे उतना ध्यान देता भी नहीं हूँ मैं, वीट को एक ही बनाऊंगा मैं, एक या फिर बस दो। इधर तो जगह भी नहीं है यार, ये पत्थर को तोड़ना है मुझे, ये टूटेगा क्या? नहीं टूटने वाला ये, रुको इसको तोड़ो, थोड़ा सा जमीन में लेके पानी तरफ लेके आते हैं, जगह बनाते हैं। ओके थोड़ा सा जगह घेरते हैं, लेट्स गो, परफेक्ट, हट जा भाई बी, एक नंबर है यहाँ पे बनेगा ना इतना मस्त सा भाई। इधर है ये रहा वीट प्लांटेशन, एक यहाँ पे और एक इधर लग जा, ओके परफेक्ट लग जाएगा। चलो भाई दो वीट प्लांटेशन हो गए, और लग जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई यार, लग जाएगा यार, बना दो भाई, इन लोग हटेंगे तो चार बन जाएगा कसम से यार। हट जा, हटो हटो हटो, एक और बनाना इधर, हटो भाई, तुम लोग यही खड़े होके काम करोगे क्या? बट एनीवे सारी काम हो रही है, रिक्वायर पानी, पानी डालना है, पानी डालने के लिए अपना ये है क्या रो भाई, अच्छा ये आइस टाइप है ना, आइस टाइप थोड़ी पानी डालेगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई, बहुत लोग सिक है, बीमार है, डिप्रेस्ड है, बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही मेहनत में करा रहा हूँ इन लोगों का, ये वाला सीन है। बट एनीवेज यार काम तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को, नया नया बेस है भाई। चलो एक और यहाँ पे हो गया, ये एरिया पूरा हो गया वीट प्लांटेशन का। ओके बाकी ओर्स वगैरह की तो इधर कमी तो है नहीं, बाकी यार ये जो ऊपर के एरियाज रहेंगे ना, जितने भी ये चूल्हे वगैरह के काम है, जैसे कि हो गया रुको इम्प्रूव्ड फर्नेस, अच्छा फ्लेम ऑर्गन लगेगा, ये सब मुझे लेके आना पड़ेगा भाई, बहुत सारी चीजें लगेगी बनाने के लिए यार, इवन ये ऊपर का भी ये सीक्रेट बेस भी मुझे बनाना है यार, मतलब कह लो बहुत ज्यादा काम है। बट इतना काम हो चुका है कि भाई इन लोग यहाँ पे मस्त से रह सकते हैं, बड़ा सा हॉल जैसा मैंने इन लोग के लिए बना दिया, इवन सीढ़ी भी बोलोगे तो भाई सीढ़ी बना देते हैं, रुक जाओ लग जाएगा, ओके लग जा रहा है मस्त से, सीढ़ी लगा देता हूँ भाई, चढ़ना रहेगा तो चढ़ के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जाओ सो जाओ तुम लोग, क्या दिक्कत है। बाकी ये खाने का है भाई, इन लोगों का खाना वाना भी खत्म हो रहा है, बट इन लोग वो कर रहे हैं यार वाटरिंग वगैरह, ओके परफेक्टली काम हो रहा है। चलो भाई 4x स्पीड से काम चालू हो जाएगा अभी, एंड यहाँ पे सारी चीजें बन जाएगी, अपना मुझे घर को थोड़ा और इम्प्रूव करना है यार।
क्रशर वगैरह जितने भी रहेंगे पूरे यहाँ बनेंगे, प्रिमिटिव रिपेयर शॉप वगैरह भी यहाँ पे रहेगा सब, आई मीन ऊपर रहेगा ये सब कुछ यहाँ पे ऐसा। दो दो ये एक हाई क्वालिटी, बट इसके लिए इंगट चाहिए और नील, कोई बात नहीं लेके आते हैं सामान वगैरह। यार आई गेस यहाँ पे बहुत ओर मिल गए होंगे मुझे भाई, 700 ओर हो गए मेरे पास, 700। बट इवन दो मेरे पास स्टिल कोई बेड नहीं है भाई, मुझे सोना है। सस्ता सा बेड बनाते हैं यहाँ पे और आनुबिश को बुलाते हैं फटाफट। आनुबिश बेड बनाएगा और मैं सोता हूँ गाइस, कल सुबह उठ के और भी ढेर सारे कामों को अंजाम देना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यार सुबह हो चुकी है एंड बैक टू द वर्क। आज भी अपने सारे पोकेमॉन स्ट्रगल करते हुए, बट आज यार थोड़ा कायदे से पोकेमॉन्स रखेंगे राइट। तो थोड़ा जॉर्मून टाइड को रखते हैं और एक आइस टाइप तो कोई काम का नहीं आएगा, फायर टाइप रखना है मुझे। माइनिंग के लिए डिटॉइस और वैन वॉर्म भी वर्क अच्छा करते हैं यार, लेकिन माइनिंग के लिए ज्यादा बंदी चाहिए मुझे। वायर डैश भी अच्छा है, बूशी भी काम का यार, तू भी अच्छा, आप भी आओ मैडम। और हाथी एक भी नहीं रखा हूं ना मैं, हाथी को लाओ तो भाई एक छोटा हाथी। हाथी ज्यादा काम नहीं करते भाई, यही ठीक है, इतने काफी है। अब थोड़े अपने पोकेमॉन्स कंडीशन ठीक है भाई, मैं भीग रहा हूँ यार, बढ़िया। इधर नदी भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो यार मस्त नहा लेंगे भाई, यार कुछ डैमेज वैमेज भी नहीं होगा। बाकी इधर खाना वगैरह भी उग रहा है, वीट वगैरह उगना चालू हो गया। एंड यार पत्थर वगैरह भाई, इन लोग मेन यार अपना जो ये फार्म है ना, पूरा आयरन का फार्म बन रहा है, लिटरली 800 आयरन हो गए। लकड़ियां भी अच्छी खासी है, बट मेन तो कंप्लीट आयरन फार्म ही है भाई, काइंड ऑफ कह लो यार। बट एनीवेज हॉट स्प्रिंग बनाना है मुझे, पैल फ्लूइड नहीं है भाई, और ये भी और उगाना है मुझे बेरी प्लांटेशन का। बेरी के लिए सीड चाहिए यार, बेरी सीड्स आई गेस यहाँ मुझे मिल सकता है सेटलमेंट में। यहाँ पे अगर ये बेच रहा होगा, अगर कोई बेच रहा होगा, अबे मैं कहाँ गया यार, इधर थोड़ी आ रहा था, कहाँ बेचता है, अच्छा यहाँ बेचता है ना स्मॉल सेटलमेंट। यार बहुत लोग ना बेरी की सीड्स बेचते हैं, अगर कोई बेच रहा होगा तो भाई बैठ ले लेंगे यार उसी से। चल भाई रिलैक्सोरस बिठा के चल भाई, यार इसके ऊपर बैठने में अलग ही फील आता है भाई, कितना बड़ा है यार ये। चल खैर उतार मुझे, आजा बॉल के अंदर तू। एंड बाकी भाई तेरे पास क्या सीड्स है क्या, मैं बना रहा हूँ उधर घर। तो अगर ओ बे तेरी बहुत सारे यार इसके पास, 10 दे दे, 10 ज्यादा हो जाएगा, 20 दे दे भाई, क्या ही सस्ता तो है। और वुल ले लेते हैं, वुल की भी जरूरत पड़ रही थी बहुत ज्यादा, वुल ले लो 20। लेदर का जरूरत नहीं था, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। लो ग्रेड मेडिकल सप्लाईज ले लेते हैं भाई 10, परफेक्ट। तो और क्या चाहिए, मेडिकल भी ले लेते हैं 10, इंजेक्शन भी ले लेता हूँ 10, क्योंकि लोगों लगाना इंजेक्शन भाई, लोगों को भूख लगा है। बाकी चलो चलते हैं वापस से अपने बेस में, क्योंकि हम लोगों को उसे बहुत बड़ा बहुत सुंदर बनाना है। आ जाओ भाई, चलो भाई घर वापस अपना नया वाला। और ये घर को ज्यादा ही बड़ा बन गया यार। ओके वो देखो वाटरिंग वगैरह भी चालू हो गई है, बट चलो खैर बेरी प्लांटेशन कर देते हैं। यहाँ पे लगाना है मुझे एक और, यहाँ पे लिटरली 5-6 ठोक खाने इतना बनाऊंगा ना भाई, खाने पीने का दिक्कत होना इम्पॉसिबल है यार। टोटल 5 बेरी प्लांटेशन होगा, इतना ज्यादा खाना होने वाला है ना यहाँ पे भाई, ये भूख से मर रहा है भाई, एस्ट्रोजन इसका मुंह देख रहे हो यार, लेना भाई दूध खा ले यार। रुको मैं अपने पास खाना लेता, तू मेरे पास आ भाई, मेरे पास आ इधर। ओए भाई बेचारा अटका हुआ है यार, आजा भाई तेरे को मैं खाना खिलाता हूँ। अच्छा मेडिसिन भी दे सकता हूँ ना इन लोगों को मैं। ओके लेट्स गो, ब्लड शॉट दिया मैं इसे, और क्या दे सकता हूँ। अच्छा वो काम कर रहा है यार, और एक काम करता हूँ, तू ये खा ले, बेरीज खा भाई, शांत हो जाओ। फीलिंग सिक एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, अच्छा ये डिप्रेस्ड है ना, अच्छा ये सो रहा है, सोते हुए को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना। आजा भाई ले इंजेक्शन ले तू यार। अच्छा जॉर्मून टाइड को इंजेक्शन लग गया भाई गलती से। बट एनीवेज वेयर डैश कहाँ है भाई तू, तुझे भी दिक्कत है ना। अच्छा ये छोटा वाला वेयर डैश को, आ जा भाई तू ये ले इंजेक्शन लगा, जल्दी आ वेयर डैश, खुशी आ भाई और इंजेक्शन लगा ले यार। चलो भाई इसको मैंने इंजेक्शन दिया एंड अब ये थोड़ा खुश है और कोई पेन में, ये पेन में है ना तू, तेरी हड्डियां चढ़ी हुई है भाई। काम कर मेडिसिन ले थोड़ा सा, अब बस थोड़ा भूखा है ना। एक काम कर, क्या खा सकता है भाई, मेरे पास बेरीज ही है यार तुझे खिलाने के लिए यार, एस्ट्रोजन माफ कर दे भाई। और वाम्पू भी वो हो गया थोड़ा सा, आ जा भाई, आ जा ले 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 ले, रोते नहीं है यार, आ जा तेरे को नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूं यार, तू तो अपना बदी है यार। एक और पेट कर देता हूं, बेचारा डिप्रेस्ड है। और ये ले भाई इंजेक्शन भी लगा ले यार तू। चलो भाई अपने लगभग सारे पोकेमॉन्स अब थोड़े खुश खास है, बस ये थोड़ा सा भूखा है और ये खा भी रहा है। खा भाई, अबे तेरी यार अब खाना जमा होना भी चालू हो गया, ये देखो 39 तक हो गए और वो वीट भी इन लोग लेके आ रहे हैं, ये देखो मस्त से। सही है भाई, काम अब जोर जोर से चालू है भाई। चला लो फटाफट इसको ही बना भाई, यहाँ पे नहीं बनाऊंगा क्या, बना दो यार यहाँ पे भी बन जाएगा। चल एक नंबर, यहाँ पे भी फार्मिंग करो मस्त से। ओके अब यार ये छोटी मोटी चीजें बन गई, अब मुझे बस अपने बेस को लेकर के सारी चीजें बनानी है ताकि हम लोग ऊपर जा करके सब चीज बना सके। ठीक है ये इसको पहले तोड़ो भाई, बस मुझे ऊपर एक छत मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए यार। यहाँ तक छत मिलेगी, परफेक्ट है। इसके नीचे रह के बना, नहीं ओपन रूम ज्यादा बेटर है यार। और क्या बच गया भाई, इतनी सारी चीजें, क्रशर वगैरह बनाना है मुझे यार, जो पत्थर वत्थर निकालने वाले चीजें होती है ना वो पूरी ऊपर बनेगी भाई। ये इसको तोड़ो,
मैंने क्या बोला था, मैं हर चीज के लिए जगह दूंगा, लिटरली हर चीज के लिए, एंड हर चीज के लिए जगह होगी भाई। क्रशर वगैरह बनाना है ना मुझे, लॉगिंग, यहाँ पे पेड़ वगैरह तोड़ना है तो यहाँ के तोड़ सकते हो, नो इश्यूज, और पत्थर वगैरह भी यहीं पे तोड़ो यार, ज्यादा बेटर है। बाकी भाई तुम लोग तो फटाफट आके बना देते हो यार। और क्या, क्रशर भी यहीं पे रहेगा, नहीं क्रशर को वहां लगाते हैं, इसमें पैलेडियम निकलेगा ना, तो पानी के पास क्रशर बनाना ज्यादा सेंस बनाता है। कहाँ लगाऊं यार क्रशर, दिक्कत है भाई। इसको तोड़ो यहाँ पे, ओके ओके, क्रशर यहाँ, स्टोन पिट यहाँ जाएगा क्या? आई डोंट थिंक सो, स्टोन पिट यहाँ आने वाला है। और क्या है, हाई क्वालिटी वर्क बेंच वगैरह तो यहाँ नहीं बनेगा, फर्नेस वगैरह क्या बनाऊंगा, क्रशर खाली यहाँ रखते हैं, क्रशर में वो बनता है ना पैलेडियम, बना दो भाई। एक और दो क्रशर रखना है मुझे, चल अनुबिश फटाफट ये बना क्रशर। अरे तुझे नहीं बुलाया भाई, अनुबिश फटाफट बना इसको, ओके एक नंबर भाई। चलो इस पे बनेगा ये, आई मीन क्या कहते हैं इसे, फाइबर, और ये जो जितनी भी चीजें बनेगी भाई यहाँ पे ना, मैं बहुत कम वो बनाऊंगा यार, क्या कहते हैं ये जो बॉक्स वगैरह होते हैं ना, बहुत कम। बाकी एक छोटा सा फर्नेस बनाते हैं, फ्लेम ऑर्गन चाहिए भाई, बड़ा रिक्वायरमेंट है यार। फ्लेम ऑर्गन के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा फ्लेम टाइप पोकेमॉन्स, जो कि इधर मिलेंगे, बट पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने बेस में बहुत सारे पड़े होंगे फ्लेम ऑर्गन्स यार, इतने सारे होंगे ना भाई, 2000 मेरे पास यहाँ पे वो है भाई, क्या कहते हैं, फ्लेम ऑर्गन मिल गया। इंगट चाहिए, थोड़े से इंगट भाई, किधर बनेगा इंगट, अच्छा भाई 100 इंगट नहीं चाहिए यार, कम चाहिए भाई। चलो भाई यार लिटरली अपना बेस लगभग कह लो बहुत सारी चीजें हो गई है, थोड़ी सी चीजें बस और करनी है, देन उसके बाद अपना बेस कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। वेलकम टू बैम्बू ग्लोव यार। फर्नेस सब चीज ऊपर बनेगी भाई, मैं नीचे कुछ नहीं बनाने वाला। प्रिमिटिव फर्नेस बनाऊं कि ये थोड़ा महंगा वाला फर्नेस यार, ये भट्टी है, नहीं प्रिमिटिव ही बनाते हैं भाई, आ जाओ अभी थोड़ी गरीबी है ना, तो बनाते हैं। चल अनुबिश फटाफट फर्नेस बनाओ, 3 फर्नेस हो गए, इंगोट बनाओ भाई तुम लोग, 450 इंगोट बनेंगे भाई, बनाओ तो फिर यार। और ये इंगट कौन यार, इंगट सबसे तेज कौन जलाएगा पता है, जॉर्मुंटाइड भाई, जॉर्मुंटाइड को बुलाओ। ओके भाई जॉर्मुंटाइड आ चुका है एंड आग जला रहा है यार, ये आग जलाने वाली चीजों को मैं इधर रखूंगा यार, मैंने गलती कर दी बना करके, मतलब जो पोकेमॉन्स की चीजें होगी ना काम करने की, उसको अपन उधर तरफ रखेंगे, अपने काम का जो रहेगा, जो अनुबिश खाली कर सकता है ना वो चीज खाली यहाँ पे रहेगी, बाकी सारी की सारी चीजें उस तरफ रहेगी। चल अनुबिश फटाफट बना, ओके ओके ओके, जल्दी 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 ठोको, परफेक्ट। चलो भाई अभी भी बैग में क्या है भाई मेरे, इतना अच्छा ओवर पकड़ा ना मैं, ओके। तो इस एरिया तरफ रहेंगे मेरे हाथ से जो बन सकते हैं वो पोकेमॉन, इधर तरफ रहेंगे वो चीजें जो भाई मैंने मतलब बना सकता हूँ, बट पोकेमॉन्स बना सकते हैं वो ज्यादा इधर रहेंगे, ठीक है। जैसे कि भट्टी वट्टी हो गया, ये सब पोकेमॉन का काम है ना, तो ये सब मैं क्या ही करूंगा यहाँ पे रह करके, ये सारे के सारे पोकेमॉन्स करेंगे। चल अनुबिश फटाफट बना, चलो भाई इंगट पिघलाते हैं, लेट्स गो। एंड यहाँ पे जितने भी पिघलाने बनाने की चीजें रहेगी यार, ये सारी की सारी इन लोग करेंगे, ठीक है। बाकी वर्क बेंच हो गया, ये सब यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हर चीज। और मैं दो बनाऊंगा भाई, एक तो कतई नहीं, एक में दिक्कत होती है, नेल्स चाहिए मुझे। और नेल किस में बनता है, आई गेस इसमें नेल बन जाता है ना, बन जाएगा भाई, ये लो बनाओ यार। चल भाई अनुबिश यहाँ पे देखो, अब क्या है ना कि अनुबिश यहाँ पे नेल वेल बनाने का काम पूरा अनुबिश यहाँ खड़े खड़े कर सकता है, जो खड़े खड़े होने की चीजें वो पूरा यहाँ होगा। बाकी उधर देखो यार, आग लगाने वाला काम, पानी डालने वाला काम, पोकेमॉन का जितना भी काम है पूरा यहाँ पे इन लोग करेंगे। और जॉर्मुंटाइड भी यहाँ पे आ करके, लाइक ऐसा जॉर्मुंटाइड यहाँ पे आ करके फ्लेम जलाएगा भाई, ये कर क्या रहा है तो ये कर भाई, ए जॉर्मुंटाइड फ्लेम लगा। हाँ ये देखो, ये जो भट्टी वाला जितना भी काम रहेगा गरम वाला, वो पूरा यहाँ आके करेंगे, क्योंकि मेरे को गर्मी नहीं चाहिए भाई, अपने को ठंडी में काम करना है। बाकी मेरे नेल्स कितने बन गए, इतने काफी है क्या, ओके लेट्स गो, बन जाएगा। हाई क्वालिटी वर्क बेंच परफेक्ट। और एक क्या बनाना है, मेडिकल वाला तो नहीं अभी तक कोई काम आता नहीं है, वेपन भी नहीं, पैल गियर बनाना है। अच्छा क्लॉथ चाहिए ना मुझे, क्लॉथ तो यहीं से मिल जाएगा, निकालो भाई क्लॉथ, थोड़ा सा गलत बनाया हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे रहे, परफेक्ट। चल अनुबिश फटाफट तू कपड़े बना भाई मेरे लिए, भाई एक एक सेकंड में बना देता है ब्रो, 15 क्लॉथ 15 सेकंड में बना दिया भाई। आ जाओ यार गैल 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 वाले यहाँ पे रखते हैं, और वेट मिनट इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ो, ये रहेगा ऐसे नहीं, ये रहेगा यहाँ पे, जो एसेंशियल चीज है वो यहाँ पे। प्रिमिटिव वर्क बेंच बहुत कम काम में आता है, तो वो उसको अपन यहाँ पे रहे, ओके परफेक्ट। चलो ये सारी चीजें बन गई, ये बॉक्स को भी मैं थोड़ा पीछे ही रखूंगा, मेटल बॉक्स जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, या ऐसे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई सारे पोकेमॉन्स मिलके यही बना रहे हैं यार, खुश हो गया लग रहा है भाई मेरे से। और क्या है, पावर जनरेटर भी मैं यहीं पे बनाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक ऑर्गन की कमी है। हॉट स्प्रिंग मुझे इन लोगों के लिए बनाना है यार, बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ करना है। बाकी भाई बगल में एक प्यारा सा टॉयलेट बना दूं क्या, बड़ा एनीवेज यार सारी चीजें यहाँ रखते हैं, लकड़ी ईटा नेल और क्या इतनी चीज है ना बस। बाकी चल अनुबिश ये वाला भी बना दे भाई फटाफट यार,
बाकी रिपेयर गियर वाला यह यहाँ पे रहेगा। लेट्स गो, यहाँ पे सारी चीजें आ गई। वेपन वगैरह, वेपन मतलब बंदूक बनाने वाला वो यहाँ पे रहेगा। ये जगह कॉर्नर पे जो है ना ये ठीक करने का है, जैसे ये मेरा कुल्हाड़ी ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे बॉल वगैरह, नॉर्मल एरो वगैरह बना सकते हैं, शील्ड वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ पे अपन शेडल बना सकते हैं, आई मीन किसी के ऊपर बैठ के उड़ना है वो वगैरह। और ये अपना हाई क्वालिटी चीज है, जैसे कि ग्लाइडर हो गया, लालटेन हो गया वगैरह वगैरह। बाकी यहाँ पे बंदूकें बना सकते हैं, समझ रहे हो ना भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। बाकी यार दूध वगैरह बनाने वाला, अच्छा दूध वगैरह मैंने लगाया नहीं है ना। और यार देखो आग वाला कुछ करना है तो मेरे को उड़ के यहाँ पे आना है, कुछ भी नहीं करना, उड़ के यहाँ पे आकर के लगाना है, ठीक है। बाकी फर्नेस वगैरह तो अभी नहीं लगेगा। बाकी कुकिंग पॉट के लिए फ्लेम चाहिए ना, ओके बट कोई बात नहीं, फ्लेम हो जाएगा। बाकी दूध बनाने वाला मशीन, दूध, अच्छा मिल, अच्छा ये मिल है ना आटा वाला, मिल यहाँ पे रखते हैं। परफेक्ट भाई, इधर आटा निकलेगा और इधर से आई मीन इधर से वो निकलेगा, वीट निकलेगा, एंड वीट का गेहूं यहाँ बनेगा भाई, ये देखो यार, ठीक है परफेक्ट। अभी तक वीड बॉस लो होता है यार इस गेम में। बाकी बेरीज तो भाई इतने सारे आ गए होंगे ना, लिटरली दिखाता हूँ मैं, 100 बेरीज हो गए और दूध भी बहुत हो गया यार। बाकी यहाँ पे वो सब भी बनाना पड़ेगा मुझे, क्या कहते हैं, रेंच हो गया, रेंच वगैरह से लेकर के हर एक चीज। बाकी यार मैं अक्सर देख रहा हूँ, मैं भाई मैं बार बार अंदर से नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं से चढ़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ जुगाड़ करना चाहिए यार, मैं अंदर से नहीं जाने वाला इसका मतलब। यहाँ पे ये लगेगा क्या, चलो भाई ये यहाँ पे रहेगा तो भी हम लोग ऐसे आ सकते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, और सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या चाहिए था, किधर है यार, फाइबर चाहिए मुझे, फाइबर, और फाइबर बनता है भाई, यही दिक्कत है ना, किसमें क्या बनता है याद रखना नहीं होता यार। ओके फाइबर उसमें बनता है, क्रशर में जिसमें पैलेडियम बनता है यार। ओके लेट्स गो, 100 फाइबर बन गए भाई। यहाँ पे भी एक वो लगाओ, मेटल चेस्ट एक ही काफी है भाई, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अनुबिश फटाफट से ये बना, सब मिल के आ जाते हैं यार ठोकने के लिए भाई। चलो खैर, कितने क्लॉथ थे, क्लॉथ ये सब यहाँ रख देता हूँ मैं, कपड़े फाइबर वाले मटेरियल्स। ओके अब मैं रैंच वगैरह और अपना स्टैचू, इंक्यूबेटर सब बना सकता हूँ, ब्रीडिंग फार्म से लेकर के हर एक चीज। बट पहले यार एक रैंच बनाते हैं ताकि यहाँ से वुल वगैरह भी इकट्ठा हो सके, वुल वगैरह इकट्ठा करने में दिक्कत आ रही है भाई। रैंच वगैरह यार इस एरिया में बनाने में अच्छा रहेगा पता है, बट यहाँ पे फार्मिंग होती है ना, ये भी दिक्कत है। और कहीं भी जगह है क्या रैंच के लिए, ऊपर तो नहीं करूंगा रैंच वगैरह वाला काम, पीछे भी नहीं, ये एरिया में बना सकता था क्योंकि यहाँ पे बस ये लकड़ी का वो है यार। तोड़ो भाई, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, बट फिलहाल यार रात हो रही है, मुझे सोने जाना चाहिए भाई, सोना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें हो ही गई है लगभग, थोड़ी सी चीजें बस बची है। बाकी मैंने बेड कहाँ लगाया था भाई, अंदर का इंटीरियर एक एक चीज लगाना है और कुछ कुछ चीजें मॉडिफाई करनी है, मतलब बहुत सारा चीज है तरीके से बोलोगे तो यार। बट एनीवेज गुड मॉर्निंग यार। ओके और मैं अभी यहाँ पे टॉप पे हूँ, मुझे यहाँ पे एक बनाना है स्टैचू, लेट्स गो। यहाँ पे रहेगा ये ऐसा स्टैचू सबसे छत पे, और ये लग रहा है बहुत सही भाई, लेट्स गो यार। इसके साथ अपना थोड़ा मास्टरपीस काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया है कह लो। और नीचे अगर मैं ये बना देता हूँ ये, और इसके ऊपर यहाँ से मैं जो इन लोगों को बोल नहीं सकता कि भाई तुम लोगों को ये करना है जज वाला चीज, ये ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, लेट्स गो। एंड मैं यहाँ से अब इन लोगों को, अरे गलत बन गया, ऐसे बनाना ना मुझे, परफेक्ट परफेक्ट, लेट्स गो। एंड अब मैं यहाँ से खड़े होकर इन लोगों को बता सकता हूँ कि भाई तुम लोगों को कैसा काम करना है, रिलैक्स करना है कि क्या करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अपना यार ये बेस का कह लो सेंटर चीजें हो गई है, एंड अनुबिश भी ऊपर चढ़ा है भाई, अनुबिश का मूर्ति के बगल में अनुबिश ही खड़ा है यार। बट एनीवेज यार आज के एपिसोड में मैं बोलूंगा इतना ही भाई, बाकी लिफ्ट मंक कितना अपग्रेड करने का था भाई मेरा, बट चलो ठीक है यार। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी लिटरली यार आज मुझे यार 4 घंटे खेलने पड़े, जो आप बेस देख रहे हो ना 4 घंटे में बना है, दोनों हाथ लाल हो गई है भाई, इधर भी और इधर का तो भाई पूरा खून जम गया। बट एनीवेज आई नो आप लोगों को ये एपिसोड में मजा आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना, बिकॉज करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, करो। और बाकी यार यहाँ पे बैल वर्ल्ड के पूरे प्लेलिस्ट के एपिसोड है, जाके देखो, ये तो ट्रेलर था, पूरा पिक्चर वहां पे है। मैंने अनुबिश कैसे पकड़ा, जॉर्मुंटाइड कैसे पकड़ा, मैनेस्टिंग कैसे पकड़ा, हर एक पोकेमॉन का आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, जाके देखो मजा आएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड पे, टिल देन सब्सक्राइब करो और हाँ जाके देखो, खाली बैठे हो तो सीरीज मिस मत करो। बाकी बाय, लव यू ऑल एंड टाटा बाय बाय सारे नारा।